तो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन वो कोना में घंटा बटन है उसको दबाओ ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले, क्योंकि नोटिफिकेशंस जा नहीं रहे सब्सक्राइबर्स तक। तो द मोस्ट मासिव फिल्म ऑफ शाहरुख खान करियर, बहुत टाइम से वेट कर रहा था इस ट्रेलर का रिएक्शन करने के लिए। अनलकी हूँ कि उस ज़माने में मैंने कभी यूट्यूब चैनल बनाया ही नहीं था, कभी मेरा इतना दिमाग चला ही नहीं था, मैं छोटा बच्चा था, तो मैं भी रिएक्शन उस टाइम में ही दे देता इस फिल्म का। ब्लास्टिंग फिल्म है, तो तुम लोग खुद ही देख लो, टाइटल से तो तुम लोगों ने देख लिया होगा किस कौन से फिल्म का ट्रेलर का एक्चुअल में रिएक्शन है। एंड दिस वॉज एक्चुअली अ बॉम्ब ब्लास्ट। जब ट्रेलर उतरी थी, ये फर्स्ट ट्रेलर होगी जिसने यूट्यूब का एल्गोरिथम को स्टक किया था, व्यू स्टक हुए थे 8 घंटे तक, व्यू स्टक थे एंड 8 घंटों बाद सारे रिकॉर्ड्स टूट गए थे। दंगल वॉज द हाइएस्ट पर डे, कुछ 8 मिलियन व्यूज़ था, ये पर डे के अंदर 22 मिलियन व्यूज़ का रिकॉर्ड इसने बनाया था, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। एंड बिलीव मी, यूट्यूब के अंदर ट्रेलर वाइज रिकॉर्ड तोड़ना कोई इनसे सीखे भाई, सीखे इनसे। हाँ, एक दिन में 50 मिलियन जीरो, फिर उसके बाद अभी जो आएगी वो तो मेरे को एक दिन में 200 मिलियन लग रहा है, जैसा बिना अनाउंसमेंट का क्रेज़ हो रहा है। नाम नहीं लेना चाहता हूँ फिल्म का, नहीं तो वायरल फिस में भी कॉपीराइट मार देगा। तो चलो रिएक्ट करते हैं शाहरुख खान इन एन एस रईस ट्रेलर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं। जिसको तू धंधा बोलता है ना, क्राइम में वो व्हाट अ कॉम्बिनेशन कर ले, व्हाट अ कॉम्बिनेशन, अभी मुश्किल कर दूंगा। जिस हिसाब से कास्टिंग की गई थी बेस्ट। मेरी सांस तो रोक लोगे लेकिन इस हवा को कैसे रोकोगे। वाय 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 वंडा यो वाय वाय वाय। जो धंधे के लिए सही वो सही, जो धंधे के लिए गलत वो गलत, इससे ज्यादा कभी सोचा नहीं। पहले मेरे को लगता था ये बंदी सूट नहीं कर रही है मूवी में, लेकिन टू बी फ्रैंक यार, मेरे को आगे कुछ बोलना ही नहीं है। नोबडी कुड हैव रिप्लेस्ड हर इन दिस मूवी, टू बी फ्रैंक आई डोंट केयर फ्रॉम वेयर शी इज, आई डोंट केयर। ज्यादा ऊंचा मत उड़, कट जाएगा। अगर कटने का डर होता ना तो पतंग नहीं चढ़ाता, फिरकी पकड़ता। चटक मजबूदार को कहीं सन्नाटे में ट्रांसफर कर दो साहिब। आप मेरा ट्रांसफर कहीं भी कर सकते हैं, राइस को नहीं छोड़ूंगा। एक दिन नाक में नाक डाल के खींच के लेके जाऊंगा तुझे यहाँ से। सबूत ले आइए, ले जाइए रईस हाजिर। मास है भाई, मास फिल्म थिएटर में जितना एंजॉय किया ना, मतलब ये सॉन्ग आज तक मुझे दिखा नहीं। बनिएगा दिमाग, मियां भाई के डेरे सीटी मार, मतलब थिएटर अंगार अंगार स्टेडियम बन गया था। Makers destroyed the film. Destroyed. 300 crore on theater. ऐसे ही लिंग जाता इसको। आ रहा हूँ। राहुल डोला किया शूट। Once again. 300 crore पानी में, stardom पानी में, blasting film पानी में, सब पानी में, सिर्फ और सिर्फ इगोइज्म चल रहा था वहाँ पे। इगोइज्म को साइड करके थोड़ा ब्रेनिज्म यूज़ किया होता तो आज यहाँ तक बात पहुँचती नहीं, ये सेजल वेव्स ये सब फिल्में आती नहीं, आई थिंक ज़ीरो भी मुश्किल थी आना अगर ये अपने परफेक्ट जगह पे रिलीज़ होता तो। दिस वॉज द मूवी वेर आई कैन बिलीव कि गलती सिर्फ और सिर्फ मेकर्स की, ना एडिटर्स की, ना स्क्रिप्ट राइटर की,
ना एक्टर की, एक्टर्स की, ना किसी की भी नहीं, ना सॉन्ग मेकर्स की, बीजीएम सब कुछ। दिस मूवी वॉज परफेक्ट बोनांजा, इंडियन फिल्म बोनांजा। इसके आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, जो हो गया हो गया। थैनोस ने कहा है कि पुराने जख्म को चाटने की आदत है इंसानों को, तो हम वो तरह नहीं रहेंगे, हम आगे का भविष्य में जो एक आ रहा है ना, बॉम्ब, वायर ऑफ का एक बॉम्ब आ रहा है, बॉम्ब मशीन गन आ रहा है, तो उस मशीन गन का इंतज़ार करेंगे। 2022 तक वो मशीन गन लॉन्च होगा, तब देखेंगे, तब देखेंगे। अगर ये ऐसा है तो मशीन गन कैसा होगा। रिएक्शन सही लगा हो तो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट्स सेक्शंस में बताओ कि अगला कौन सा वीडियो का रिएक्शन दो।